जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए जिन भारत की टीम रांची के मेन रोड एक कंटिनेंटल स्ट्रीट पर पहुंची, जहां पर हमें आज राज्यसभा सांसद महुआ माझी मिली और जीएन भारत ने उनसे खास बातचीत की, कई मुद्दों पर बातचीत की और उनसे ये भी बातचीत की कि महिलाओं के मुद्दों पर बातचीत हुई और उनसे ये बात हुई कि वो पॉलिटिक्स के साथ साथ अपने घर परिवार बच्चे हस्बैंड को कैसे संभालती है, इस मुद्दे पर बात हुई। आइए आपको भी सुनाते हैं किस किस मुद्दे पर बात हुई और जेएमएम से जो उन्हें समर्थन मिला, राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार चुनी गई, जेएमएम ने उन्हें काफ़ी समर्थन दिया और वहीं अब द्रौपदी मुर्मू को भी देखा जा रहा है, उन्हें जेएमएम कितना सपोर्ट करती है। महिलाओं का ये विंग जीतो का अभी अभी जो मैंने सुना, इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है रांची के लिए। पहली बार इस तरह का एग्जीबिशन कर रहे हैं, स्वर्ण भूमि एक अच्छा कैंपस है वहाँ पर और उसमें एक ही छत के नीचे महिलाओं के लिए तमाम तरह की चीज़ें उपलब्ध रहेंगी और पूरे देश भर के स्टॉल्स यहाँ लगेंगे, ज्वेलरी से लेकर ड्रेस से लेकर तमाम चीज़ें। तो मुझे लगता है कि रांची में जो फैशन से जुड़ी महिलाएं हैं उनको वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म में बहुत सारी अलग अलग टेस्ट की चीज़ें मिलेंगी और चूँकि पूरी दुनिया में इनके विंग्स हैं, चैप्टर्स हैं और इनको अनुभव भी है इस तरह के एग्जीबिशन का और काफ़ी उत्साही हैं तमाम यहाँ की जो मेंबर्स हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह एक सफल आयोजन होगा, एग्जीबिशन में काफ़ी लोग इंटरेस्ट लेंगे, आएंगे और आप मीडिया के बंधुओं को भी यहाँ जिस तरह का सम्मान मिला मैंने देखा, वाकई आप इसके हकदार हैं। आप लोग हमेशा डटे रहते हैं हर मोर्चे पर, तो मुझे लगता है कि इनका आयोजन सफल होगा और मैं अभी से शुभकामना देती हूँ जी। जी देखिए, हमारी पार्टी की और हमारे पूरे झारखंड के लोगों की उम्मीद है कि मैं उनके लिए उनकी आवाज़ बनूंगी, उनके लिए अच्छा काम करूंगी। पिछले दिनों मैंने जो भी काम किया महिला आयोग के प्लेटफॉर्म से या विधानसभा में भी मैंने काम किया और जेएमएम विमेन विंग को मैं 2014 से देख रही हूँ, तो हो सकता है कि उस काम को देखते हुए पार्टी को मेरे प्रति उनका जो भरोसा है उसकी वजह से उन्होंने भेजा है। तो मैं भी ये वादा करती हूँ कि मैं झारखंड वासियों की और पार्टी की और अंतिम व्यक्ति तक की उम्मीदों को पूरा करूँगा जी। जी जी, ये तो पार्टी का निर्णय है लेकिन जिस तरह का सम्मान माननीय द्रौपदी जी को दिया गया है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। थैंक यू। हाँ, राइटर भी रह चुकी है तो और कोई बुक अभी तक आपने लिखा नहीं? कैसे नहीं? हाँ देखिए, मेरा नॉवेल जो है, एक नॉवेल तो विदेश में भी पढ़ा जाता है, सैपियंसा यूनिवर्सिटी में बीए के कोर्स में उसको लिया गया था और एक उपन्यास झारखंड के पृष्ठभूमि पे है जिस पर हमारे देश की 20-25 यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल पीएचडी डीलिट वगैरह हो रहा है अभी भी और अभी मैं एक उपन्यास पर काम कर ही रही हूँ लेकिन समय की कमी की वजह से थोड़ा स्लो हो गया है। हालाँकि बहुत जल्दी वो आने वाला है वो उपन्यास और महिला मुद्दे पर एक किताब लिख रही हूँ नॉन फिक्शन की। एक कहावत है ना, बिजी पर्सन हैव टाइम फॉर एवरीथिंग एंड लेजी पर्सन हैव टाइम फॉर नथिंग। तो मुझे लगता है कि अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, जिस तरह से यहाँ की महिलाएं कर रही हैं। भारत से राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने बात की और उन्होंने ये भी बताया कि द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करना पार्टी का फैसला होगा और ये पार्टी डिसाइड करेगी, ये राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी का कहना है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। रांची से सहयोगी शिखर श्रेया के साथ मैं राशिका बजाज, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।